नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। ये तो ये एक राउटर है, ये MI का राउटर है, नया निकला है अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो ये पैकेट को मैंने पहले से काट के रखा है, क्योंकि मैं जब पैकेट आया था तब मैं चेक करने के लिए कि माल सही से आया कि नहीं, फिर इसको काट के देख रहे थे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो इसका ये बॉक्स है MI का, जिसके अंदर इसका राउटर है। प्लास्टिक को साइड में रखते हैं। तो ये देखिए, कुछ ऐसा होता है इसका बॉक्स का इंटरफेस। ये राउटर बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका मैं पीछे तो कुछ नहीं दिखा है। ये इसका वायरलेस टाइप है, 2.4 GHz अप टू 300 MBPS स्पीड है। और इसका मतलब जो लैन पोर्ट है, जो मतलब जिससे नेट आएगा आपका RJ, मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आपका जो भी हो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, RJ45 का केबल लगेगा इसमें। वो पोर्ट है 100 MBPS का पोर्ट है, और दो जो आउटपुट पोर्ट है वो भी 100 MBPS का है। और इसका मॉडल है, इसका मॉडल नंबर है R3L, इसका मॉडल नंबर है R3L, इधर लिखा है इसका मॉडल नंबर R3L। तो ये मैंने इसका एक्चुअली दाम है 999, मतलब 999 रुपये, 999 रुपीज़। तो मैंने कल ही ऑर्डर किया था, तो मेरे को आज ही चाहिए था इसे, तो क्योंकि मेरा घर का राउटर ख़राब हो गया, मतलब मैं यहाँ पर अपलोड अपलोड वगैरह करता हूँ वीडियो, तो उधर मेरा राउटर लगा रहता है, तो उधर मेरा राउटर ख़राब हो गया, तो इसलिए मेरे को जल्दी चाहिए था। तो मैं जल्दी ऑर्डर करने के लिए मेरा और 100 रुपया ज़्यादा पड़ा, ताकि 1099 पड़ गया मेरा। तो ऐसे ही इसका आप नॉर्मली परचेस करेंगे तो 999 रुपया पड़ेगा। तो मेरे को जल्दी चाहिए था, तो मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर मैं इसको आज ऑर्डर कर लिया। तो अभी अभी कुछ आधा घंटा पहले ही आया था, तो इसको मैंने खोल के चेक किया कि माल मेरा ठीक ठाक आया कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट ठीक ठाक आया कि नहीं। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं इसका अंदर क्या क्या दिया है। तो इसको पैकेट को मैंने काट के रखा है पहले से। तो इधर से पुल बोल के है इसको, ऐसे खींच के ये देखिए, इसका बॉक्स खोल गया। इसमें स्पेशल ये है इसका, मतलब रेंज बहुत ही अच्छा है इसका, जो कि मैंने सुना है कि अभी मैं यूज़ करूँगा ये कुछ दिन यूज़ करके, फिर अपना जो मतलब मेरा जो ओपिनियन है, एक्चुअली मेरा जो मतलब क्या बोले, मैं यूज़ करके बताऊँगा कि ये राउटर अच्छा है कि नहीं, तो उसके एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा बाद में। तो इसको कैसे कॉन्फिगर करता है वो भी मैं एक कैसे कॉन्फिगर होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसका इसका एक चीज़ है, मैंने देखा है पीछे दिया है बॉक्स का, तो इस QR कोड को आप स्कैन करके आप इसका मतलब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। MI वाईफाई बोल के एक ऐप है, या प्ले स्टोर में नॉर्मली सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इधर से आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली वो ऐप का मतलब लिंक खुल जाएगा प्ले स्टोर में, और ऐसे भी सर्च करेंगे MI वाईफाई बोल के करने से, मतलब लिख के सर्च करने से आ जाएगा। तो वाईफाई से आप टोटली कम, मतलब वो ऐप से आप टोटली कंट्रोल कर सकते हैं आपका राउटर को। तो इसको खोल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया है, मतलब मेरे को बहुत ही स्लिम है, हाथ में लेके बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो इसका देखिए कुछ इंटरफेस ऐसा है इसका, MI का राउटर है ये, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इधर लोगो है MI का, और इसका सामने एक LED इंडिकेटर है जो कि 3 कलर है, मतलब ब्लू है और पता नहीं और क्या क्या है, वो चालू करने के बाद ही पता चलेगा। तो जो मैं बोल रहा था, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या दिया है बॉक्स में, इसको साइड में रखता हूँ।
बॉक्स में एक MI राउटर 3C इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है, वो कैसे कैसे लगाना है आपको, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ऐसे भी मैनुअल दिया है। और किसी को भी मैनुअल पढ़ के भी आता नहीं है कैसे इसको करें, बहुत ही मतलब है, जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको आता नहीं है उसके लिए भी वीडियो मैंने बना दूंगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करता है ये, तो इसमें सारा लिखा है। तो ये पढ़ने से, समझ में आने से और देखना नहीं पड़ता है यूट्यूब वगैरह। तो इसको साइड में रखते हैं। मैनुअल था एक छोटा सा, और इधर भी दिया है उस QR कोड जो स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड करने वाला। तो इसका नीचे है इसका पावर एडेप्टर, तो पावर एडेप्टर खोल लेते हैं। तो इसका ये पावर एडेप्टर है, ये कितना वोल्ट का है मैं देख लेता हूँ पहले। तो 220 वोल्ट इनपुट है और ये 0.2 एम्पेयर है आउटपुट, ना सॉरी 0.2 एम्पेयर नहीं है, इसका आउटपुट है 5 वोल्ट 1 एम्पेयर है इसका। जो कि मेरा मोबाइल चार्जर जैसा 5 वोल्ट होता है वैसे ही, नॉर्मली ऐसा राउटर में 12 वोल्ट लगता है और 9 वोल्ट लगता है, लेकिन इसमें 5 वोल्ट का चार्जर दिया है जो कि एडेप्टर है, पावर एडेप्टर, ठीक है। इसका और एक स्पेशल चीज़ है, इसमें बहुत कुछ है, अभी मैं यूज़ करूँगा फिर मेरे को पता चलेगा, ना मुझे पता नहीं अभी क्योंकि अभी मैं आज ही खरीद के लाया, इसको लगा के फिर यूज़ करूँगा तो फिर मेरे को पता चल गया इसमें क्या क्या फीचर्स दिया है। इसमें 64 MB मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, और 16 MB का रैम है, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका इधर इधर इंटरनेट का केबल है, इधर जो ब्लू कलर का पोर्ट है वो इंटरनेट का केबल है, इधर जो भी है आप लोग का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन अलायंस हो और PMPL हो जो भी है आपका वो आप कर सकते हैं। और आपका अगर BSNL का नेट हो तो आप BSNL का जो मोडेम है वो मोडेम से आप कन्वर्ट करके फिर RJ45 का जैक इधर घुसाने से आपको इंटरनेट मिल जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगर करना मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नॉर्मली ब्रॉडबैंड का है उसका वो IP देके कंप्यूटर में जाके IP डालना पड़ेगा, या मोबाइल से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर में दिखाऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करता है, और इसका नॉर्मली मतलब ये मैक्सिमम कितना 64 ना 64 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं इसे, ये बहुत ही अच्छा एक बात है, मतलब 64 मतलब कोई राउटर नहीं दे पाता इतना, 64 जन तक आप 64 डिवाइस तक आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी लुकिंग भी बहुत अच्छा है इसका, इसका 4 एंटेना है, इसका मतलब रेंज भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ठीक है अभी तक के लिए इतना ही, और तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं एक वीडियो करके आपको डालूँगा। और क्या वो तो करूँगा, और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी दिखा दूँगा, और जो मैं बोल रहा था ये मैं यूज़ करूँगा एक हफ्ता 10 दिन यूज़ करने के बाद, तो मैं बोलूँगा कि ये राउटर अच्छा है मतलब और क्या बुरा है, इसमें क्या बुरा है और क्या अच्छा है वो मैं बोलूँगा, ठीक है। थैंक यू, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल पे आप नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता हूँ, मतलब जो भी हो टेक वीडियो मैं लाता हूँ। तो चलिए थैंक यू, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।